रेकी, हीलिंग, मेडिटेशन, एंजल थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, थर्ड आई और कुंडलिनी रेकी जैसी 65 से भी ज़्यादा ऑल्टरनेटिव थेरेपी सीखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और साथ में लगे बेल आइकन पे ऑल प्रेस करें ताकि लगातार हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्र। ये मंत्र आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखें, समझें और इस मंत्र का भरपूर इस्तेमाल करें। जी हाँ दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग एक गलती करते हैं। वो गलती क्या है? हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उन प्रार्थनाओं में सबसे ज़्यादा हम भगवान को ये बोलते हैं कि भगवान मुझे अच्छी जॉब दे देना, अच्छा घर दे देना, अच्छी गाड़ी दे देना, अच्छी वाइफ दे देना, धन संपन्नता दे देना, ये दे देना, वो दे देना। और ज़्यादातर हम जब मंदिर जाते हैं या भगवान के आगे माथा टेकते हैं तो एक लंबी सी लिस्ट बना के बैठे होते हैं और ये दे देना, ये दे देना, ये दे देना। दोस्तों, आज इस मंत्र की मैं बात करूँ, इस मंत्र को अगर आज आपने सीख लिया और कम से कम एक महीना भी इसको फॉलो कर लिया तो मैं कह सकता हूँ कि आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। जी हाँ, इस मंत्र की बात करते हैं। ये मंत्र है धन्यवाद, थैंक्स, ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, पूजा पाठ, आराधना, अर्चना, भगवान का नाम लेने का मतलब क्या होता है? कि भगवान के बारे में हम कुछ अच्छा बोलें, अच्छा बताएं, भगवान के मंदिर जाएं तो उनको थैंक्स करें कि भगवान तुम कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो, मैं आज जिंदा हूँ, मेरी सांस चल रही है, मुझे रोटी मिल रही है, मेरे साथ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है। पूजा पाठ या भगवान के नाम लेने का मतलब ये नहीं होता कि भगवान ये भी दे दो, वो भी दे दो। हम यही गलती करते हैं। दोस्तों, आप खुद सोच के देखिए, आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चा आपको बिना बात के थैंक यू बोलता है, थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे कपड़े दिए, ये दिया, वो दिया, मुझे अच्छा स्कूल दिया, अच्छी पढ़ाई दे रहे हो, अच्छा घर, अच्छे एजुकेशन, अच्छे माहौल दे रहे हो, थैंक यू गॉड, थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू भगवान जी। एक बच्चा कह रहा है, मम्मी मेरे पास ये नहीं है, मम्मी मुझे अच्छे जूते दिलाओ, मम्मी मुझे बढ़िया साइकिल दिलाओ, मम्मी मुझे ये पसंद नहीं आया, मुझे ये बढ़िया चाहिए, मेरा ये तो घर मुझे छोटा लगता है, मुझे तो ये फ्रेंड्स अच्छे नहीं लगते, मुझे तो ये दिक्कत है, ये परेशानी, मुझे और बढ़िया दे दो। आपको कौन सा बच्चा पसंद आएगा? आप अपनी पॉकेट से 100 रुपये निकाल के देना चाहते हो तो दिल से किसको दोगे? जो थैंक्स करता है, ग्रेटिट्यूड में रहता है, या जो हमेशा मांगता रहता है? आप भी इस बात को समझते हो कि ये दूसरे वाले बच्चों को तो मैं 100 क्या 1000 रुपये दे दूँ, इसने खर्च कर देने हैं, बर्बाद कर देने हैं और शुक्रिया भी नहीं करना, मगर दूसरा बच्चा उसको शायद 10 रुपये भी दूंगा तो शायद वो संभाल के रखेगा और ज़िंदगी भर थैंक्स करता रहेगा कि आपने मुझे इतना सब कुछ दिया। दोस्तों, कुछ इसी प्रकार की साइंस है जो हमारे साथ चलती है कि जब हम भगवान को धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर दिस एंड दैट, तो हम और भी चीज़ों के लायक होने लग जाते हैं और भगवान भी इस बात को समझता है कि कितना समझदार है, इसको मैं जो भी चीज़ दूंगा वो संभाल के रखेगा। जैसे मान लो भगवान ने दो इंसान को गाड़ी दी, एक ने उस गाड़ी को बहुत ध्यान से रखा, बहुत धोता है, साफ करता है, ज़रूरत के हिसाब से चलाता है, आराम से चलाता है, कोई फास्ट नहीं चलाता, कोई तोड़फोड़ नहीं करता। दूसरा वाला है, उसने गाड़ी को 2 साल में ही डब्बा बना दिया। भगवान किससे खुश होंगे, जो उसकी कदर करता है या जो कदर नहीं करता? दोस्तों, समझने वाली बात है, जब आप चीज़ों की कदर करते हो, जब आप चीज़ों को थैंक्स करते हो तो आप एक ऐसी एनर्जी बनाते हो जिस एनर्जी से आपकी लाइफ में सुख, स्वास्थ्य, संपन्नता, पॉजिटिव एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। मगर जब आप मांगते रहते हो तो आप क्या एनर्जी बनाते हो कि मेरे पास है ही नहीं, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो, चाहे आपके पास बहुत कुछ हो। और दोस्तों, एक सिंपल सी मैं बात बताऊँ आपको, भगवान ने आपको इतना सब कुछ दिया है, एक बार सोच के देखो, आपकी आँखों से आंसू निकल आएंगे। इस धरती में तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं
जिनके पास पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, वो बेचारे धूप में आंधी तूफान में फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जल जाते हैं, मर जाते हैं। अगर आपको ईश्वर ने कितना सब कुछ दे रखा है, कितना बे इंतहा दे रखा है, जिसको शायद आपको लिखने को बोलूं तो आपका हाथ थक जाएगा। आपको हर साल, हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन कितना सब कुछ देते हैं भगवान। अगर हम सिंपल बात करें तो ये जो हमारा कल का दिन बीता है उसमें कितने ही लोग थे जो एक्सपायर हो गए, जो मर गए, मिट गए, ख़त्म हो गए, इस पांच तत्वों में मिल गए, मगर आप आज भी जिंदा हो, आज भी आपकी सांसें चल रही है, धड़कने चल रही है, आप अपने घर फैमिली परिवार को देख सकते हो, आप खा सकते हो, आप कितने लकी हो, इस चीज़ को फील करो। और आज से कोशिश करो कि जब भी भगवान का नाम आए तो पहले भगवान को थैंक्स करो, धन्यवाद करो। और अगर मेरी बात मान सको तो अगले कम से कम एक महीने तक इस महामंत्र, इस सबसे पावरफुल मंत्र का इस्तेमाल करो। एक महीना भगवान से मांगना कुछ नहीं है, सिर्फ धन्यवाद देना है, और देखो आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आने शुरू होते हैं। दोस्तों, मेरी बात पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, लोगों से शेयर करना चाहते हो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से, क्योंकि उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है, तो प्लीज़ शेयर करना। आपके मन में कोई सवाल हो, मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, नहीं अच्छी लगी हो तो भी बताना। दोस्तों, हमारा चैनल अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी एक गलती है, आज ही सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन पे ऑल दबाना, ताकि इस प्रकार के बहुत पावरफुल मंत्र, महामंत्र आपको मिलते रहें और आपकी लाइफ में भी हो आध्यात्मिक विकास। धन्यवाद।